जय हिंद आप सभी लोग को। अभी देखिए, आज संविधान का एक ऐसा चैप्टर हम सभी पढ़ने जा रहे हैं जो कि पूरी कड़ियों को एकदम खोल के रखेगा और साथ में उन्हें इस प्रकार से जोड़ेगा कि आपको लगेगा कि वाकई में संविधान पढ़ना कैसे चाहिए। मेरी बात को समझिएगा और बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अभी क्लास थोड़ा पेंडिंग में चल रही है, रुक गया रही बीच बीच में, इसके लिए आप लोगों से माफी मांगते हैं। समझिएगा चीजें क्या है। संविधान में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े हैं, आप कहेंगे सबसे पहले पढ़ा गया था संवैधानिक इतिहास। पूरी चीजों को आज रिवाइज कर रहे हैं, बेहतर तरीके से समझिएगा। संवैधानिक इतिहास 1773 से शुरू हुआ था। कब से? इस भारत की जमीन पर, भारत की धरती पर संविधान का पहला नियम कब बना था? आप कहेंगे 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट वाला बना था। भारत की धरती पर जो पहला संविधान बना था, सबसे पहला नियम कब आया था? आप कहेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। इसके बाद अगर आप क्लास में देखेंगे, 73 के बाद 84 मिलेगा, 86 मिलेगा, 93, 13, 33, 53, 58, 61, 1892 है, 1876 है, 1909, 1919, 1935, 1947, और हमारी लास्ट में क्या बनती है? संविधान सभा। ये लास्ट में आपकी 1947 में किसका गठन होता है? आप कहेंगे संविधान सभा का, 1946 में। तो ये 1773 से लेके हमारी आजादी तक, 1773 से लेके 1947 तक जो संविधान बना था वह गुलाम भारतीयों के लिए था, वह ऐसे भारतीयों के लिए था जो स्वतंत्र नहीं थे, और उनके संविधान को कहा जाता है संवैधानिक इतिहास। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़े, उसके बाद हम क्या शुरू किए, ये संविधान सभा हमारी जो बनी, कौन सी संविधान सभा, संविधान सभा के बारे में बने। संविधान सभा में जो 384 टोटल भारतीय थे, जो पूरे भारत से चुन चुन के आए थे विभिन्न प्रांतों से, एक तो मोटे सुनी किताब तैयार किए, एक मोटी सी किताब लिखे, वो लोग क्या किए, अपने देश के लिए एक मोटी सी बुक तैयार की जिसका नाम दिया भारतीय संविधान। उस बुक का क्या नाम था? भारतीय संविधान। तो संविधान सभा से पहले जो संविधान थी वह संवैधानिक इतिहास था। अरे जो संविधान सभा 1947 में अपना जो है बनाना शुरू की, हम स्वतंत्र भारतीयों के लिए संविधान, उस मोटी किताब का हम लोग अध्ययन शुरू किए जिसमें टोटल कितने चैप्टर थे? आप कहेंगे 22 चैप्टर थे 25, मगर बाद में 3 हटा दिए गए, बीच में जो जुड़े थे, सातवां निरसित हो गया। तो ये जो हमारी बुक लिखी गई भारतीय संविधान, इस बुक में टोटल कितने चैप्टर हैं? आप कहेंगे टोटल 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर में भाग वन आप पढ़े, भाग टू नागरिकता पढ़े, भाग थ्री मूल अधिकार पढ़े, फिर उसके बाद भाग चार आप जो है नीति निर्देशक तत्व तो पढ़े, भाग चार को मौलिक कर्तव्य आप पढ़े भारत, ये उसके बाद जो भाग पांच है, भाग पांच की हम बात कर रहे हैं, यह केंद्र सरकार है, भारतीय संघ है आप कह सकते हैं, केंद्र सरकार है भाग पांच में। अब भाग छह में क्या है? आप कहेंगे राज्य सरकार है, राज्यों के लिए जो नियम है वो भाग छह में है, और केंद्र के लिए जो नियम है भाग पांच में है, जो कि अनुच्छेद आपका 52 से लेकर के 151 तक है। कहां तक? 52 से लेकर 151 तक, और यहीं से हम लोग शुरू किए हैं। पूरी चीजों को खत्म होने के बाद अब आइए जो रिवीजन के बाद चीजों को गहनता से समझते हैं, और हां मेरे साथ बारीकी से चीजों को समझिएगा, ये रिवाइज कराना बहुत जरूरी था। जब आप पीछे की क्लास करेंगे तब संविधान को आपको लगेगा कि नहीं वाकई में संविधान बेजोड़ तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, अब जो है हम लोगों को पढ़ना क्या है, एक एक चीजों को जो है, एक एक चीज को एकदम स्पष्ट तरीके से समझिएगा भाई। टोटल जो है हमारे, मान के चलिए 395 में से 368 अनुच्छेदों तक हर हाल में चीजों को कवर करना। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग अनुच्छेद एक से लेकर के अनुच्छेद 61 तक, कहां तक? एक से लेकर के 61 तक पूरे तरीके से पढ़ चुके हैं, बिना एक भी अनुच्छेद को हटाए सीरियल वाइज पूरे 61 अनुच्छेद बहुत बेजोड़ तरीके से पढ़ा दिए हैं। अब उसके बाद बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं 66 से लेकर के ये कहां तक पढ़ना है?
65 से लेकर 300 वर्ष तक भाई हम लोग 61 तक पढ़ चुके हैं, और उसके बाद अब जो क्लास चलेगी वो 65 से लेकर के 368 तक टोटल अनुच्छेदों को जो है पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर आप अनुच्छेद 66 पर फोकस करें, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके बारे में है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या नियुक्ति। अब उपराष्ट्रपति के तुरंत नीचे अनुच्छेद 75 में आपको क्या मिलता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब इन अनुच्छेदों को यदि आप देख रहे होंगे तो आपको याद करना सबसे कठिन लगेगा, कुछ ऐसे तरीके हैं न ट्रिक है न कुछ, ट्रिक से याद करना एक मूर्खता है। आदमी आज ट्रिक से याद करता है, एक महीने बाद भूल जाता है। अब बारीकी से सब चीजों को अगर समझ गए तो फिर ये अनुच्छेद पूरे आपको बहुत आसान लगेंगे, और ये अनुच्छेद नहीं है, इतने चैप्टर हैं जिन्हें आपको आगे पढ़ना है, छोटे छोटे चैप्टर। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होती है। आप कहेंगे कैसे याद करें 75 में प्रधानमंत्री, 75 में पीएम, याद करने की जरूरत क्या है, 75 में पीएम, 75 में प्रधानमंत्री, प से वो है प से ये है, 75 में प्रधानमंत्री, 75 में पीएम, चाहे कुछ भी कहिए। और प्रधानमंत्री को सलाह देने वाला जो होता है महान्यायवादी, भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, जो किसको सलाह देता है, सरकार को सलाह देता है कि आपको सरकार चलाना कैसे है, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रपति के पास कोई चीज जाए तो वो वापस लौट करके न आए, जिसे हम कहते हैं भारत का महान्यायवादी। इसे किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी ये किसको सलाह देता है, आप कहेंगे प्रधानमंत्री की कैबिनेट को सलाह देता है, कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट जो है अगर कोई नियम कानून कायदा बनाए और राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति साइन करने से मना न करे, खुशी खुशी साइन कर दे। तो ये तो उसकी सलाह मतलब इसकी मदद के लिए होता है, 75 की मदद के लिए 76 होता है। 75 की मदद कौन करता है, आप कहेंगे 75 की मदद 76 करता है, और जिसका नाम क्या है, महान्यायवादी है। अगर 75 और 76 आपको याद हो गया तो यकीन मानिए आपको 164 और 65 बेहद आसानी से याद हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, केंद्र में जो सत्ता चलाता है वो प्रधानमंत्री होता है, और राज्य में जो सत्ता चलाता है उसका क्या नाम है, आप कहेंगे मुख्यमंत्री। राज्य में कौन सत्ता चलाता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके तहत होती है, अनुच्छेद 164 के तहत। अच्छा, प्रधानमंत्री को जो ये राष्ट्रपति, यहां प्रधानमंत्री को जो सलाह देता है वो महान्यायवादी होता है, तो मुख्यमंत्रियों को तो कोई सलाह देगा, कहेंगे इसको जो सलाह देता है उसे हम कहते हैं महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। जब चीजों को अगर आप जोड़ेंगे ना, 75 76 एक तरफ है, 164 65 एक तरफ है, एक केंद्र को चला रहा है दूसरा उसको सलाह दे रहा है, एक राज्य को चला रहा है और दूसरा उसको सलाह दे रहा है। बस आप मन से पढ़िए मेरे साथ, क्लास लेट आएगी मगर बेजोड़ आएगी। इन दोनों अनुच्छेदों को यदि आप याद कर लिए हो, चारों को, 75 76 और 64 65, यहां पर अगर आप देखेंगे 79 80 81, जिंदगी में आप बढ़ोतरी तक कभी भूल ही नहीं सकते। कहेंगे कैसे, संसद होती है, संसद में आप कहेंगे राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति तो एक अलग टॉपिक है, संसद के तीन भाग होते हैं, राष्ट्रपति के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं। संसद का गठन किसके तहत होता है, आप कहेंगे संसद का गठन जो होता है, संसद का गठन ये किसके तहत होता है, अनुच्छेद 79 के तहत होता है। अब बड़की वाली जो सभा है, अपर, अपर का मतलब आप कहेंगे राज्यसभा का गठन किसके तहत होता है, आप कहेंगे 79 के तहत होता है। और जबकि छोटका वाला जो है लोकसभा, निम्न सदन, लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन किसके तहत होता है, आप कहेंगे 81 के तहत होता है। क्या है, कुछ नहीं है, 79 80 81, संसद राज्यसभा लोकसभा तीनों एक जगह बैठे हैं, तीनों का गठन कर दी। हम जो संविधान या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको मन से पढ़ना पड़ेगा, अब बिना नोट्स बनाए बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नोट्स तो हर हाल में बनानी है। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर आप देखें 100, ये 100 है, उसके बाद 108 है, दोनों आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, 100 और 108 दोनों में है क्या। अब जो है देखिए गर्मी का सीजन, पसीना ज्यादा है, फिर भी हम कहें क्लास लेंगे क्योंकि क्लास आप लोगों की मांग थी। ये 100 और 108 बेहद आसान है, दोनों सामने दिख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। अच्छा मान लीजिए लोकसभा में कोई विधेयक लाया गया,
कौनो नियम कानून कायदा लाया गया, ओमन हुआ का कि विपक्ष वाला जितना मत दिए सत्ता पक्ष वाला उतना, दोनों का मत बराबर हो गया, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का मत बराबर हो गया, तब तो वो नियमों में नहीं पालन होगा, पास होगा। जब वो पास नहीं होगा तो उसको एक और मत चाहिए, और वही निर्णायक मत कौन देता है, आप कहेंगे उस सभा को चलाने वाला लोकसभा अध्यक्ष, वही क्या करता है निर्णायक मत देता है। किसके तहत? आप कहेंगे 100% पास हो गया, कौनो विधेयक 100% पास हो गया। ऐसे ही सोचिए ना कि कौनो विधेयक अटका पटका था, लास्ट में एक मिला के बजा दिया अपना अंगूठा मार दिया, और जो विधेयक है 100% पास हो गया। और 100 में विधेयक पास कौन कराता है? लोकसभा अध्यक्ष, अटके हुए काम को। फिर ये जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 के तहत कौन बुलाएगा? आप कहेंगे वह लोकसभा अध्यक्ष, उसे वो उसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, और इसके तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये आपके इतने अनुच्छेद मुझे लगता है बेहद आसानी से आपको याद हो गए होंगे। अगर इधर आप देखें ना, ये आपका 124 है और दूसरी तरफ क्या है 214 है, इन तीनों के अंक एक है, एक एक दो चार है, एक दो इधर है और इधर दो एक है, सिर्फ इतना परिवर्तन है, 12 पलट करके 21 हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो 12 है यह पलट करके क्या हो गया है 21 हो गया है, और यही इसी के वजह से यहां सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है और यहां हाई कोर्ट की स्थापना है। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 214 में कहेंगे उच्च न्यायालय की स्थापना, हाई कोर्ट के, यह उच्चतम न्यायालय है और यह क्या है उच्च न्यायालय है। पहले तो बड़का नहीं आएगा 124 में, भाई उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो कुछ होगा नहीं, तो पहले बड़का यह आएगा और उसके बाद छोटका आएगा। और दोनों का जो अंक है, दोनों का अंक हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का एकदम समान है। कभी भी जिंदगी में आप प्रश्नों को देखेंगे एग्जाम में उड़ा के आएंगे, बस भरोसे के साथ पढ़ेंगे। तो फिर देखिए ये तो ठीक मान लीजिए हो गया, हाँ ये पुनरावलोकन की शक्ति, पुनरावलोकन की शक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश को या सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। किसके तहत? आप कहेंगे 137 के तहत। क्या है? पुनरावलोकन की शक्ति होती है, ठीक है, पुनरावलोकन की शक्ति किसके तहत है? अनुच्छेद 137 के तहत। इन सब चीजों को आप लिखिएगा नोट्स में, क्योंकि आगे चल करके इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। उपराष्ट्रपति आप पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सबको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है उनके बारे में। ये पुनरावलोकन की शक्ति है। 148 जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हम आपसे कहेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आप लोग लिख लीजिएगा, मुंह से बोल रहे हैं, यहां लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मगर आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि हम मुंह से बोल रहे हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भाग पांच जो था, जो भाग पांच था, भाग पांच में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 52 से लेकर के 151 तक, और इसमें भाग छह में कितने हैं? 152 से लेकर के 237 तक। ये जो भाग पांच है, ये जो भाग छह है, 22 टोटल चैप्टर थे इस किताब में, संविधान सभा की किताब में टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 22 चैप्टर है। जो पांचवा चैप्टर है, पांचवां चैप्टर केंद्र सरकार के लिए है, छठवां चैप्टर राज्य सरकार के लिए है। ये जितने भी हैं, महान्यायवादी है, संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब केंद्र में बैठते हैं, राज्य में नहीं बैठते हैं। आप इनको यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, तमिलनाडु में नहीं देखेंगे, इनको कहां देखेंगे आप? दिल्ली में देखेंगे, केंद्र में। तो ये क्योंकि ये अनुच्छेद 152 के अंदर है, समझ रहे हैं। और हाँ, ये जो है राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है, एक विशेष प्रश्न है, आप इसे हर हाल में याद कर लीजिएगा, किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत, क्योंकि राज्यपाल जो है केंद्र में नहीं बैठता है, राज्यपाल कहां बैठता है? राज्य में। 152 के बाद जितनी भी चीजें आएंगी, 152 के बाद अगर आप यहां ध्यान से देखें, 152 के बाद, 151 के बाद जितनी भी चीजें आएंगे सब राज्य में बैठेंगे। राज्यपाल जो है राज्य के मुखिया का अवलोकन करता है उसके कार्यों का, मुख्यमंत्री के, ठीक है। अभी इसमें है देखिए 226 है, क्या है? 226। ये जो हाई कोर्ट है इसके लिए विशेष रीट दायर करने की जो नियमावली है, इसमें है 226 में,
ये रीट का अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया है 226 के तहत। बाकी आपका जिला न्यायाधीशों के बारे में, भाई हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के जस्ट नीचे क्या है 233 में, आप कहेंगे जिला न्यायाधीश है, ठीक है, तो 233 में जिला न्यायाधीश हो गया। और 239 जो है दिल्ली के लिए बेहद आसान है भाई, दिल्ली को एक विशेष मतलब थोड़ा सा अधिकार दे दिया गया है, क्या चीज, विशेष अधिकार। अगर ये याद करना हो तो दो टो क है, ऐसा कौन अनुच्छेद में जल्दी दिखने को मिलेगा नहीं, दो टो क, हम तो ऐसे ही याद कर लिए हैं, 239 क दिल्ली विशेष उसको अधिकार है, विशेषाधिकार या कुछ भी आप कह लीजिए। आपका 243 क और 243 ख इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक में ग्राम सभा है, एक में क्या है ग्राम सभा है, और दूसरे में ग्राम पंचायत है, क्या है ग्राम पंचायत, दूसरे में क्या है ग्राम पंचायत, इन दोनों के गठन की बात की गई है 243 क और 243 ख में, फर्स्ट और सेकेंड में। लास्ट में तो आपको स्पष्ट तरीके से थान था जो है, थान था में दिखाई दे रहा होगा नगर पालिकाओं का गठन। ये जितने अनुच्छेद थे साठ का तरीके से आपको याद करना जरूरी था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, इसके बाद जो बचे कुचे हैं थोड़ा बकवास टाइप के हैं। अभी तो ये 243 तक हुआ है, उसके बाद हमें कहां तक पहुंचना है 368 तक। बाकी चीजें आपको जल्द मिलेंगी, इन्हें नोट्स बना के याद कर लीजिएगा, हर हाल में याद कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। क्लास देखिए थोड़ा स्लो है, उसका कुछ रीजन है, बाकी समय से क्लास हम कंप्लीट कर देंगे।